फरीदकोट के गांव मानी सिंह वाला की लड़की की मौत होने के उपरांत परिवार ने मौत का कारण ससुराल परिवार और एक निजी अस्पताल को बताते हुए इंसाफ की मांग की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनकी लड़की का विवाह गांव कान्यावाली श्री मुक्तसर साहब में करीब 3 साल पहले हुआ था। उसकी एक 2 साल की बच्ची भी है। अब उसके एक और बच्चा होने वाला था और लड़की के ससुराल वालों ने टेस्ट करवाकर गर्भपात करवाने के लिए श्री मुक्तसर साहब के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां हालत नाजुक होने पर फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि लड़की की मौत उसके अंदर कचरा रहने के कारण हुई है, जिसका जिम्मेदार ससुराल परिवार और निजी अस्पताल का प्रशासन है, जिसके बाद वह शव गृह के बाहर अपनी लड़की की लाश लेने के लिए बैठे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने मांग की है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। वहीं जब लड़की के पति के साथ बात की गई तो उसने बताया कि लड़की जब बीमार थी तो वह मायके घर थी और वह बीमारी को ही मुक्तसर छोड़ गए। वह खुद लड़की को घर लेकर आया और अगले दिन दवाई दिलवाई, जिसके साथ वह 2-3 दिन ठीक रही। फिर ज्यादा बीमार होने पर उसको श्री मुक्तसर साहब के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लड़की के अंदर ब्लड ज्यादा पड़ने से उसकी हालत खराब होने पर फरीदकोट रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वे अब लड़की की लाश लेने के लिए आए हैं, अपने गांव संस्कार करना चाहते हैं। इस मौके पर जांच अधिकारी एसआई हरिंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मेरी भैन जी हरमीत कौर पिंड काने वाली इदों पहला 3 साल हो गए ब्याही नूं जी। 2 साल दी इक लड़की है जी। हुण जी 4 महीने का बच्चा होने वाला सीगा जी, तो इन्होंने टेस्ट करा के भ्रूण हत्या का तो सफाई कराई जी अमन हस्पताल मुक्तसरों जी। तो टेस्ट कराया जी, लड़की सी जी, तो मुड़ के उत्थे सफाई कराई जी। कचरा रहन कारण गुड़िया की मौत हो गई इत्थे फरीदकोट मेडिकल हॉस्पिटल जी। तो अमन हॉस्पिटल जदों गुड़िया बाली ढिली हो गई जी, उदों उन्होंने फरीदकोट रैफर करता जी। अक्सर ही एक बार वोमन सैल च रौला निबड़िया जी, 2 बारी सादक थाने जी, 3 साल हो गए लड़ाई झगड़ाई गुड़िया नाले प्रौणा ते सहुरा परिवार कर रहा, दाज की मंग कर रहा जी। इंसाफ मिलना चाहिए जी। कौर सिंह सरपंच सानू जी धमकियां दिंदा, कहिंदा जी जो कुछ करना तुसीं कर लो, मैं तुहाडे ते परचे पवा दूंगा, तुसीं भगौड़े हैं। तो अपने एक ना लड़की है जी हरमीत कौर, वो कान काने वाले मैरिड सी, ठीक है जी। वो तो इतने अमन होस्पिटल अबॉर्शन होया, अबॉर्शन तो बाद उसकी हालत ठीक नहीं सी, उन्होंने इतने मैडिकल रैफर करता सी, जिते अगले दिन वो एक्सपायर हो गए थे। तो वो संबंधी असी कार्रवाई अमल से लिया गई, FIR लॉज की है, जो भी जो उन्होंने बयान दस अकॉर्डिंग, तो अगली तफ्तीश जारी है। इस बारे तफ्तीश चल रही है फिलहाल, तो इन्होंने बयान पर FIR लॉज हुई है। अगे जो इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो भी तत्थ सामने आएंगे।